दोस्तों, हम लोग देखेंगे तो लास्ट वीक में मार्केट ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था और मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे मैंने ये दो लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसको हम लोग कहते हैं अपवर्ड चैनल। तो ये बरोबर यहाँ पे अपवर्ड चैनल के यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, कहीं रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आएगा, ये चैनल पे आएगा या फिर यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा, मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। प्लस कि आने वाले वीक में मार्केट कैसे रहेगा ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहिए। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरुज चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मार्केट वीकली व्यू। मार्केट वीकली व्यू में हम लोग देखेंगे कि 11 मार्च से लेके 15 मार्च तक मार्केट कैसे रहेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक के बारे में आपने मुझे पूछा है, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, आने वाले वीक में देखने के पहले हम लोग देखेंगे कि लास्ट वीक मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया था। तो अगर हम लोग देखे थे तो मार्केट जो है कि लास्ट वीक निफ्टी जो है कि 115 पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव था और बैंक निफ्टी 538 पॉइंट। तो ये जो है कि मार्केट लास्ट वीक जो है कि बहुत ही अच्छा पॉजिटिव था। आने वाले वीक में मार्केट की रेंज क्या हो सकती है तो मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा, लेकिन एज पर माय नॉलेज कि ऊपर जो रेजिस्टेंस है 22,600 का यहाँ पे रेजिस्टेंस है और सपोर्ट जो है कि 22,300 का। आने वाले वीक में क्या इवेंट्स हो सकते हैं कि जो मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो जैसे कि 12 तारीख को इन्फ्लेशन और आईपी डेटा आता है, तो ये जो डेटा है कि मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है। बाकी अगर इंटरनेशनली हम लोग देखेंगे तो ऐसा कुछ ये जो है कि इवेंट्स नहीं है या कुछ इम्पैक्ट कर सकता है मार्केट के ऊपर, बट जो कि इंटरनेशनल मार्केट है उसके ऊपर भी हम लोग ध्यान रखेंगे और आगे जाके हम लोग देखेंगे चार्ट के ऊपर कि क्या क्या पैटर्न बने और मार्केट के टारगेट क्या हो सकते हैं, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जैसे कि संडे से हमारा एक संडे स्पेशल बैच शुरू हो रहा है जहाँ पे किसी को इंटरेस्ट आएगा, जो लोग रेगुलर अटेंड नहीं कर सकते और संडे को ही अटेंड कर सकते हैं जैसे कि वर्किंग एग्जीक्यूटिव, तो उनके लिए एक जो कि क्लास बना है, टोटल प्रैक्टिकल रहेगा। अगर आपको इंटरेस्ट आएगा तो हमको यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे वीकली व्यू देख रहे हैं, तो हम लोग निफ्टी से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे निफ्टी में तो कुछ यहाँ पे डेली में पैटर्न बनते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वीकली में तो हम लोग जो है कि मंथली वीकली भी देखेंगे। तो मंथली अगर हम लोग चार्ट यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा चार्ट बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ऑल टाइम हाई यहाँ पे क्लोज दिया है और जितने भी कैंडल्स है सभी से ये जैसे कि ऊपर क्लोज होने के बाद भी स्ट्रांग क्लोज होते हुए दिख रहा है। जैसे कि पीछे के एक दो कैंडल देखो, उससे भी ये स्ट्रांग है, यानी मंथली के ऊपर मार्केट एकदम स्ट्रांग है। हम लोग वीकली पे देखेंगे तो वीकली पे भी देखे कि हाईएस्ट क्लोज दिया है यहाँ पे और नीचे से भी बाइंग प्रेशर है। तो थोड़ा डेली में देखते, तो डेली में देखे कि हमने मार्केट का मिस कैसे एनालिसिस किया था और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। जैसे कि ये जो है कि अपवर्ड चैनल बन रहा है यहाँ पे और मैंने यहाँ पे स्विंग लो और स्विंग हाई भी किया था जहाँ से ये रिट्रेस हुआ था और ऊपर के टारगेट भी बनाए मैंने, लेकिन मार्केट ने और एक अच्छा है कि नया हमको स्विंग लो भी दिया है और ये स्विंग लो दिया है 22,230, तो ये हमारे फ्यूचर में ये हमारा सपोर्ट हो सकता है। प्लस 22,300 जैसे मैंने कहा कि एक बेस भी बना हुआ है मार्केट का, तो ये भी हमारे लिए एक सपोर्ट हो सकता है। लेकिन एक थोड़ा सा चिंता की बात जो है कि ये चैनल बन रहा है, ये चैनल के अपर साइड में देखिए कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। अभी ये ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा ये हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग और नजदीक से यहाँ पे एनालिसिस करते हैं मार्केट का। अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट ने अगर मैंने ये स्विंग लो स्विंग हाई किया था तो फिबोनाची से जो लेवल निकाला था 22,330 ये जो लेवल्स है यहाँ से मार्केट बहुत ही अच्छा रिकवर हुआ है और ऊपर जो है कि 100% का लेवल होता है 22,600, तो 600 का मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी दिया है और जब भी इस जो है कि फिबोनाची से 100 का लेवल आता है यहाँ पे मार्केट थोड़ा स्ट्रगल करता है। तो यहाँ पे कभी कभी ऐसे भी होता है कि मार्केट डायरेक्टली ऐसे नहीं जाते हुए यहाँ पे ये करके ऐसे भी जा सकता है। तो यहाँ पे मार्केट लोअर जो है कि बैंड के ऊपर आएगा कि नहीं आएगा ये हमको पता चलेगा जब भी कि जैसे कि फ्राइडे का जो कैंडल बना है उसका भी लो अगर मार्केट ब्रेक करता है, लेकिन यहाँ पे ऊपर ब्रेक करना है तो मार्केट कैसे करेगा। तो कोई भी मार्केट डायरेक्टली कभी कभी ब्रेक करता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मार्केट ये लेवल होल्ड करता है और होल्ड करने के बाद अगर ब्रेक करता है तो बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट भी होगा। जरूरी नहीं कि चैनल के ऊपर इधर आया तो मार्केट नीचे ही आना चाहिए, तो यहाँ पे हमको कुछ वेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मेक और ब्रेक सिचुएशन है, तो ऐसे टाइम पे हमको कुछ वेट करके और ट्रेड करना पड़ेगा। ऐसे में हम कौन से लेवल्स ये जो है कि हम लोग देख सकते हैं, तो हमको जो है कि नज़दीक की जो लेवल्स है के अभी मैं थोड़ा और भी लेवल यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो ये लेवल्स हो गए, फ्राइडे का जो हाई होगा ये हमारे लिए इम्पोर्टेंस रहेगा,
वो है 22,529। तो 22,500 ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंस लेवल था। और अभी उसके ऊपर अगर 22,529 के ऊपर मार्केट क्लोज देना शुरू करे तो यहाँ पे ऊपर वाला भी अपना 100% वाला जो लेवल है वो भी आ जाएगा, 620 वाला लेवल आ जाएगा। लेकिन अगर नियर हमको शॉर्ट टॉप लॉस लगाना है तो 22,437 ये जो है कि फ्राइडे का ऑलमोस्ट लो के लेवल पे आ रहा है और हमारा एक लेवल भी है, तो ये लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। उसके बाद है 22,300, ये लेवल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंस है। तो जैसे कि मंडे को मार्केट रहेगा तो यहाँ पे अगर यहाँ पे होल्ड करता है या ऊपर के साइड में अगर ब्रेक करता है तो ये ट्रेंड कंटिन्यूशन तो करेगा, लेकिन एक चैनल का यहाँ पे एक मैटर करता है। तो ये मैंने आपको जो है कि आपके नजर में अला के दिखा यहाँ कि ये इसके ऊपर ध्यान देना, क्योंकि ये जो है कि टेक्निकल टर्म्स है और ये वर्क भी करता है। तो ये जो लेवल्स है मैंने आपको डेली में बताए, हम लोग इंट्राडे में अगर मंडे को हमको ट्रेड करना है तो हम लोग कैसे देखेंगे मार्केट को। तो देखो दोस्तों, आप लोग अगर देखोगे तो जैसे कि ये फ्राइडे का पूरा मूवमेंट था एक ही रेंज में था, यानी कि ये जो कैंडल का हाई और लो अगर हम लोग देखेंगे तो 22,529 के ऊपर ही बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा बाय करने को, और सेल करने को 22,437 के नीचे अगर मार्केट ए रेंज में ओपन होता है, गैप डाउन होता है तो आपको जो लेवल्स है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर से हमको काम में लेने हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बैंक निफ्टी। तो हम लोग बैंक निफ्टी यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, हम लोग देखेंगे यहाँ पे मंथली में। तो मंथली में देखेंगे तो मंथली में बहुत ही अच्छा क्लोजिंग दिया है, एक डोजी कैंडल के बाद इसने ऊपर क्लोजिंग दिया है। बैंक निफ्टी यहाँ पे अगर मंथली में देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रांग है। वीकली में हम लोग देखते हैं तो वीकली में भी देखिए कि कंटिन्यूशन कर रहा है और ये अप ट्रेंड कंटिन्यूशन यहाँ पे इसका अभी तक शुरू है। हम लोग डेली में देखते हैं कि डेली में बैंक निफ्टी कैसे कर रहा है। तो डेली में देखिए कि एक छोटा सा चीज है कि यहाँ पे भी बैंक निफ्टी को थोड़ा सा रेसिस्टेंस है, जैसे मैंने कहा था एक गैप फिल करेगा मार्केट, तो यहाँ पे मैंने रेड लाइन भी लगाया और इसके ऊपर जो है कि बैंक निफ्टी क्लोज नहीं दे रहा है। तो आपको नेक्स्ट वीक में ये देखना है कि 47,988 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज देना चाहिए, बहुत ही अच्छा मूवमेंट यहाँ पे हो सकता है। नजदीक वाला टॉप लॉस हमारा 47,739 है, जो कि ये जो है कि गुरुवार को फ्राइडे को छुट्टी था, तो मैं अगर फ्राइडे बोला होगा तो थोड़ा सा मुझे माफ कर देना, क्योंकि फ्राइडे को छुट्टी था तो ये गुरुवार का जो लास्ट दिन था उस दिन यहाँ पे ये बैंक निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो बहुत ही अच्छा लेवल है एज अ सपोर्ट। नेक्स्ट बैंक निफ्टी का सपोर्ट 47,190 रहेगा, ये भी बहुत बढ़िया सपोर्ट है। तो बैंक निफ्टी अगर हमारे ये जो गैप का जो लेवल है उसके ऊपर क्लोज देना शुरू करता है तो ऊपर के जो भी आपको लेवल दिख रहे हैं सभी जो है कि हमारे टारगेट हो सकते हैं, तो ये भी हमको बैंक निफ्टी पे देखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी में हमको इंट्राडे करना है। तो देखिए बैंक निफ्टी भी अगर हम लोग देखेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग में यहाँ पे एक रेंज में यहाँ पे ट्रेवल कर रहा था ऊपर का, जो कि 47,988 ये जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंस है, और उसके ऊपर हम लोग बाय करेंगे। 47,739 के नीचे अगर जाता है तो हम लोग सेल करेंगे, ये भी लेवल देखिए कितना इंपॉर्टेंस लेवल है यहाँ पे। तो ये ऐसे लेवल पे आपको ट्रेड मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि फिर निफ्टी अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमने जो पहले लेवल दिए थे देखिए कि 21,063 बरोबर यहाँ पे जो है कि क्लोज दिया था, जैसे कि वो पहले दिन का हाई भी था, तो ये लेवल्स 21,063 के ऊपर क्लोजिंग बहुत ही अच्छा यहाँ पे हो सकता है। फिर निफ्टी में जो सपोर्ट है वो है 29,57 का नियर सपोर्ट है, नेक्स्ट सपोर्ट है 20,900 का, ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट यहाँ पे हो सकता है। फिर निफ्टी में भी एक जो है कि गैप फिल होना ये पेंडिंग है, तो फिर निफ्टी के लिए भी आप देख सकते हो। इंट्राडे में अगर हमको मंडे को ट्रेड करना है तो फिर निफ्टी भी जो है कि एक रेंज में देखिए कंप्लीट रेंज, अगर वो 21,063 के ऊपर ब्रेकआउट देता है बहुत ही अच्छा बाइंग का ट्रेड मिलेगा, लेकिन 29,57 ये जो लेवल है उसके नीचे अगर क्लोज होता है तो एक शॉर्ट का भी आपको मौका मिल सकता है। दोस्तों जिस स्टॉक के बारे में आपने मुझे पूछा है मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, और जो पहला स्टॉक है SBI, मुझे अमित जी करके उन्होंने पूछा है। SBI अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए एक कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, बहुत ही अच्छा मोमेंटम कर रहा है। जिन्होंने अभी बाय किया होगा 783 का टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं। अभी यहाँ पे जो है कि SBI 812 का यहाँ पे मुझे टारगेट दिख रहा है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा कर रहा है, लेकिन आपको प्रॉपर टॉप लॉस के साथ इसमें जाना है, और भी ऊपर मुझे इसका जो है कि टारगेट दिख रहे हैं। नहीं जो है कि UPL के बारे में मुझे पूछा है शुभम करके उन्होंने, UPL हम लोग देखेंगे तो ये बहुत गिरावट कर चुका हुआ स्टॉक है और यहाँ पे होल्ड करते हुए दिख रहा है, लेकिन ये होल्ड फर्स्ट टाइम ही किया है, तो यहाँ पे जो है कि और ऊपर हाई भी बनाया था,
तो यहाँ पे हमको बाय करना थोड़ा रिस्की है, लेकिन बाय करते हैं या फिर आपने पहले ऑलरेडी आपके पास है तो 450 का यहाँ पे टॉप लॉस लगा सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जब भी होगा, जब भी ये 505 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो वहां पे हम ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हैं और एक इसका स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन करने के बाद ही हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर करके, मुझे गिरी जी करके उन्होंने पूछा है। हिंदुस्तान कॉपर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ओवरऑल देखते हैं तो अच्छा रनिंग भी किया है इसने और एक रेसिस्टेंस के आसपास आके थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड हुआ है। तो इसका एक लेवल है 292 के ऊपर, अगर जाता तो ब्रेकआउट करता है तो आप बाय कीजिए। फिलहाल एक यहाँ पे एक सप्लाई जोन टाइप है, यहाँ पे संभल के ट्रेड करना जरूरी है। नहीं जो है कि बजाज ऑटो के बारे में मुझे पूछा है रेन करके उन्होंने, बजाज ऑटो देखेंगे तो बहुत ही अच्छा रैली यहाँ पे किया है और रैली कंटिन्यूशन में है। इसने 8591 ये इसका एक टॉप लॉस होगा अगर आप बाय करें हो, और रेजिस्टेंस होगा 9024 ये इसका रेजिस्टेंस होगा आगे वाला लेवल्स, बट अप ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यूशन में चल रहा है। नेक्स्ट जो हम लोग स्टॉक देखेंगे वो है बंधन बैंक। बंधन बैंक जो है कि अभी 195 चल रहा है, रोशन करके उन्होंने मुझे पूछा है। बंधन बैंक का चार्ट देखेंगे तो देखिए ये चार्ट में थोड़ा सा वीकनेस है और जैसे नीचे गिर रहा है फिर से यहाँ पे देखो सेलिंग आ रही है, तो इसमें थोड़ा कॉशियस रहना। इसका नीचे का जो सपोर्ट है 185 है और उसका टॉप लॉस 182 है, अभी इसको बाय करने के लिए जल्दबाजी मत करना। ये 185-182 के आसपास आता है, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव कैंडल बना तो बाय कीजिए। और फिलहाल अगर आपके पास होगा तो फाइनली 182 का टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हो। नेक्स्ट जो है कि विद्या स्पेशलिटी, मुझे पूछा है काशी निजय करके उन्होंने। यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो ये स्टॉक जो है कि देखिए बहुत ही अच्छा मोमेंटम कर रहा है और यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट भी किया है, तो ये ब्रेकआउट हुआ है और ऊपर का जो इसका टारगेट आ रहा है 514, लेकिन अगर इमीडिएटली आप बाय करोगे या फिर आपके पास आए तो 465 का टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हो। नहीं जो है कि टाटा मोटर्स के बारे में मुझे पूछा है मनोज कुमार जी करके उन्होंने, तो इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए भी पूछा है। तो लॉन्ग टर्म में इसके फंडामेंटल बहुत अच्छे और इसका डीमर्ज हो रहा है जैसे कि कमर्शियल व्हीकल का, तो यहाँ पे एक स्टॉक और भी परफॉर्म करेगा और जो भी कंपनीज इनके बनेंगे तो इक्वली कुछ शेयर्स मिलने वाला है, यानी पे यहाँ पे ज्यादा रिस्क नहीं है अगर आप फंडामेंटल इसको देखते हो। टेक्निकली अगर मैं कहूँ तो अभी इसमें जो कि बिकॉज ऑफ न्यूज यहाँ पे गैप वगैरह आया और यहाँ पे ये ऊपर जाने लगा है, अगर आपको टेक्निकली इसका टॉप लॉस लगाना है 994 का टॉप लॉस लगा के एज अ ट्रेडिंग आप इसमें होल्ड कर सकते हो। ऊपर जो रेजिस्टेंस है 1055 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा क्योंकि फिबोनाची का 100% यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा और नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो ये आप टेक्निकल में देखिए। अदरवाइज लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये मुझे बहुत ही अच्छा यहाँ पे लग रहा है। तो दोस्तों जिन इंडेक्स और स्टॉक के बारे में मैंने आपको बताया ये मेरे टेक्निकल व्यूज है, ऐसे कुछ भी नहीं कि नेक्स्ट वीक ये स्टॉक या इंडेक्स ऐसे चलने चाहिए। इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह है कि आप इसमें ट्रेड कीजिए। और दोस्तों आपको ऐसे टेक्निकल से सीखना है मेरे साथ संडे बैच में, तो नया बैच जो है कि हमारा कल से शुरू हो रहा है उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो मुझे आप इमीडिएटली कॉल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपने कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।